मेरे भाई साहब सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सब कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे महानुभाव, मेरे सामने बैठे हुए सुधीर जी, महेंद्र जी, श्रीमाली जी, अनुराग जी एंड यूथ। परंतु हम लोग अब एक और लेवल नीचे जाने की हम लोगों को सबको सोचने की जरूरत है। मैं अभी दिल्ली में थी और मैं, आप ही देख सकते हो, यूट्यूब के अंदर मैं देख रही थी, यूट्यूब में मेरे सामने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई। पार्लियामेंट्स रन बाय चिल्ड्रन, माने अब चिल्ड्रन कहते हैं उनको क्योंकि वो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। पार्लियामेंट्स एंड डेमोक्रेसी के क्लब्स जो अपने अपने गाँव के आसपास, यानी अपने अपने शहर के पास पास उन लोगों ने शुरू किया है इसी काम को पहुंचाने के लिए, जिसके बारे में अभी विनय जी बात कर रहे थे। नेगेटिव बातें तो बहुत हम लोगों को सुनने को आती है, हम लोग खुद पॉलिटिक्स के अंदर हैं, सुबह सुबह उठ के बाहर निकलते हैं सोच के, पहले तो अखबार पढ़ते हैं उसमें पूरी नेगेटिव चीज जितनी वर्णन सब पूरी बढ़ जाती है, तो उसके बाद बाहर आते हैं तो जिन लोगों से मुलाकात होती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कैसे होगा क्या। मैं सब लोगों को ये कहती हूँ, एक दिन बिल्कुल यहाँ तक जब आ गए तो मैंने हमारे सब लोगों को बुला के उनसे ये कहा कि एक दफा मेरे को अपनी किताब प्रिंट करके मेरे को दीजिए, मेरे को सिर्फ इतना देखना है। आप सब कह रहे हो कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरे को सिर्फ इतना देखना है, जब कुछ भी नहीं हुआ तो क्या है जो हुआ। सबको बहुत टाइम लगा, तो 6 महीने के लिए थोड़ी सी बात कम हुई। जब मेरे पास आए तो अच्छी मोटी किताबें लेके आए, 3 साल में 3.5 साल में 4 साल में क्या हो गया तीनों का भैया, ये सब इतने सारे काम हो गए, ये सब काम हमने कर लिए हैं, कहीं 500 करोड़ रुपए, कहीं 800 करोड़ रुपए, कहीं 900 करोड़ रुपए, कहीं 1200 करोड़ रुपए, और ऐसे ऐसी जगह में काम हुए हैं जिसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कोई मानता ही नहीं, जहां हम जीते नहीं। मैंने पूछा ये काम तो हुए हैं, तो 10 काम तो हो गए पर वो एक काम नहीं हुआ, उसको हमने याद किया है। वो नेगेटिविटी जब तक नहीं जाएगी तब तक मैं नहीं समझती हूं कि जिस विकास की लहर को हम पहुंचाना चाह रहे हैं, जिस तेजी के साथ हम उसको पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको पहुंचा नहीं पाए। तो ये बहुत जरूरी है, गेटिंग इलेक्टेड इज जस्ट एन एम, एंड द एम कि उन लोगों को मदद करना है जिन लोगों ने हमारे को इलेक्ट किया है। आज बाय चांस मैंने एक किताब उठाई, इट्स अ न्यू क्रिटिकल सोच ऑन पॉलिटिक्स एंड द न्यू एज। मैं उसको खाली 2-4 पढ़ने पलट रही थी, तो मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों के बीच में जा रही हूँ, जिस बात के बारे में बात करने जा रही हूँ उस बात को आपने अभी छुआ है, मैं आपके सामने भी उस चीज को रखना चाहती हूँ। उनका कहना है कि देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स और जिसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। न्यू इंडिया को बनाना है, नए राजस्थान की तरफ अपने को ध्यान देने की जरूरत है। तो जो नए तरीके का सोसाइटी बन रही है, उस सोसाइटी के अंदर एक तो व्यक्ति इंक्लूसिव होता है, जो लोगों के लिए सद्भावना रखता है, लोगों के लिए प्यार रखता है, काम कराना चाहता है, सेवा करना चाहता है, गुमनाम रह के सेवा करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति तो वो एक है। और दूसरा है वो जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर रखता है, जिस कैरेक्टर के अंदर खुद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, खुद को पॉलिटिक्स के अंदर कैसा किया जाए। अब ये दोनों को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं और एक नई कहानी को किस तरीके से स्क्रिप्ट कर सकते हैं, उसकी तरफ हमको ध्यान देने की जरूरत है। ये इंक्लूसिव वो व्यक्ति है जो पूरी ताकत के साथ सेवा के अंदर लगने की कोशिश करता है, पर सब लोग उसको कहते हैं ये तो पागल है, मालूम है क्यों जनता के बीच में लगा हुआ है, क्यों काम करता है, मिलता क्या है उसको। आजकल हर चीज को जो हम आंकते हैं वो उससे आंकते हैं कि हमको मिलता क्या है। मैं पिछले दिनों से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर घूम रही थी, कुछ इलाके के अंदर जा रही थी, जहां मेरी मीटिंग्स होती हैं, जैसे आप लोग बैठे हो वैसे उनकी मीटिंग्स होती हैं, और जिसको हिलरी क्लिंटन, अब हमारे यहाँ तो पहले से होता रहा है, परंतु हिलरी क्लिंटन जैसे लोग अब कहते हैं लिसनिंग टूर, कि सुनो कि लोग क्या कहना चाहते हैं, हम क्या सोच रहे हैं और एक्चुअली क्या सोच रहे हैं, वो एक तरह सुनने को मौका मिलता है। तो इन सब
चीजों के बारे में बात कर रहे थे, नहीं हाँ रोज अच्छे बन गए हैं, यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सुलझाना है। अगर सोसाइटी को इस तरीके से हम बात करें तो इस तरीके से हम उसको बदल सकते हैं, ये सब चीजें सामने आए। तो उसमें एक व्यक्ति उठ के खड़ा हुआ, आप हमें ये बताइए कि हमारे लिए क्या होने जा रहा है। मैंने कहा प्रॉब्लम तो यही है कि अगर इतने बड़े मैस में 7.5 करोड़ लोग के अंदर हर एक आदमी यही सोचने लगेगा और यही जान लेके आगे बढ़ेगा कि मेरे लिए क्या हुआ है, तो मैं समझती हूं कि हम ना तो अपने प्रदेश को अच्छी तरह से और प्यार से बांध सकेंगे, ना 36 के 36 कौम के ऊपर ध्यान दे सकेंगे, ना एक परिवार के रूप में सबको एक माला के अंदर पिरो सकेंगे, और ना उस डेवलपमेंट या उस विकास की ओर जिसके ऊपर हम सब सपना देख रहे हैं उस विकास की ओर बढ़ सकेंगे। इसलिए कुछ चेंजेस हम लोगों को लाने की जरूरत है। वो जमाना गया जब हम एक दूसरे के बीच में डिविजन डालते थे, परिवारों के अंदर डिविजन डालते थे, मजहब के अंदर डिविजन डालते थे, जातियों के अंदर डिविजन डाल रहे हैं। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को इग्नोरेंस में रख के, गरीबी में रख के हम अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, ना हम अपना डेवलपमेंट ना हम विकास आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहली दफा मैंने चुनाव लड़ा था धौलपुर के अंदर, मैं इसके बारे में आपके घर में रहा, मैंने जब वहां के लोगों से, वहां के पॉलिटिशियन से भी बात की, तो चुनाव लड़ी, चुनाव लड़ने के बाद मैं सबके बीच में जाके बात करना शुरू किया कि आपके गांव में किस चीज की कमी है। दौरा करना तो पॉलिटिशियन का काम है, ये मैंने समझा था। तो सबके बीच में जाके पूछ रहे कि भैया आप लोगों का क्या काम है, क्या नहीं हुआ है, पानी है कि नहीं, बिजली है कि नहीं। तो एक दिन उसने समय मांगा मेरे से कि भाई मैं आके आपसे 1 मिनट के लिए चाय पीना चाहता हूँ। हमारे यहाँ तो सब पार्टी मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, फिर फील्ड में जाके अलग अलग बात करते हैं, वो बात अलग है। तो उन्होंने मेरे से कहा, ये क्या कर रहे हो आप, क्यों बिगाड़ रहे हो लोगों को, आप बीच में जाते हो, इनसे पूछते हो कि क्या है, आपको हैंडपंप है कि नहीं, आपको पानी मिल रहा है कि नहीं, आपको बिजली मिल रहा है कि नहीं, इनकी आदत क्यों बिगाड़ रहे हो। इनको तो 40 साल से हमने यहां राज किया है, हमने तो कभी नहीं पूछा है इनसे, इनको तो अपने दुख के अंदर ऐसे जकड़ के रखो कि इनको समय नहीं मिले ये पूछने को कि ये मेरा काम आपने क्यों नहीं किया। मैंने तो जब तक चेंजेस नहीं आएंगे, जब तक हम लोग उस चीज में से नहीं निकलेंगे, जब तक हम अपने बच्चों को चला के स्कूल नहीं भेजेंगे, जब तक हम अपनी लड़कियों को चला के स्कूल नहीं भेजेंगे, जब तक हम अपने परिवारों को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक इस विकास के रोड के ऊपर, इस विकास के रास्ते पर हम लोग नहीं चल पाएंगे। आज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन डे टू डे बढ़ता जा रहा है, और कोई भी सरकार उस एस्पिरेशन को छू नहीं सकती है, उस चीज को छू नहीं सकती है जब तक पॉलिटिक्स को हम डेवलपमेंट यानी विकास और सेवा से नहीं जोड़ेंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ नहीं हो सकता और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए अगर इसको ये काम हमें करना है तो एक सेंस ऑफ प्राइड इन आवर कल्चर, हमको ये लगना चाहिए कि हमारे शहर के अंदर कोई आता है तो जब वो शहर के अंदर पैर रखता है तो वो सोचता है अरे वाह ये है जयपुर, कितना सुंदर है जयपुर। जब तक वो नहीं सोचेगा तब तक कैसे काम चलेगा। तो मेरे को आपको बताना है कि सबसे पहले वो एयरपोर्ट पे उतरता है, मैंने एयरपोर्ट से शुरू किया। सेकंड वो स्टेशन पे उतरता है, थर्ड वो बस स्टैंड पे उतरता है। फिर सबको कहा कि हम लोगों को उनके अप्रोचेस को ठीक करने की कोशिश करनी है। जब वो उतरता है उसको गंदगी का ढेर दिखाई देता है तो वो सीधे मुड़ के वापस ट्रेन में बैठ के जाना चाहता है। कोई बिजनेस करने के लिए एयरपोर्ट पे उतरता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, वो देखता है सब दूर डर फैला हुआ है, ये शहर रहने लायक नहीं। परंतु जब वो अंदर शहर के अंदर घुसता है और वो कहता है कि कितना सुंदर शहर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ कितनी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि ये रिपल इफेक्ट जो पूरे क्षेत्र के अंदर फैलता नहीं है, पूरे देश के अंदर फैलता है, उसके वजह से आज सब लोग ये कहते हैं कि जयपुर इज अ रॉकिंग सिटी, दैट्स द वर्ड।
जयपुर इज नाउ अ रॉकिंग सिटी. मैं बार बार इनको कहती हूँ, फोटोज अपलोड करके हमें दे दो. तो परेशान करते हैं हम इन लोगों को कि तुम्हारी गंदगी यहाँ से नहीं उठी अभी तक, ये गंदगी उठे साफ हो. पर खाली गंदगी ही नहीं उठाना है, परंतु क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपको बढ़ाना है तो ओकेजनल चीजें होनी चाहिए. लोग अपने आप को ऑक्यूपाई करें, लोग गंदे में छोटे छोटे गंदे में लगे. आपका शहर सुंदर हो, आपका बगीचा सुंदर हो, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका शहर है तो वो गंदगी आप क्यों फेंकेंगे, इसके बारे में कुछ सोच आपको भी करनी चाहिए. इसीलिए जरूरी है कि जब तक कलेक्टिवली हम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक सरकार, अगर आप सोचते हो कि सब चीज सरकार कर लेगी, वो नहीं कर सकते. इसीलिए जय जय राजस्थान को लेके हम लोग आगे बढ़े सबके बीच में, क्योंकि हमको ये लगा कि ये सब इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने रखे हुए हैं, पर इन इंग्रेडिएंट्स को जब तक एक सब्जी के अंदर नहीं डालेंगे, जब तक हम अपने सब बच्चों को एक प्राइड, एक गर्व अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश के लिए नहीं देंगे, तब तक वो जुट के उस तरीके से काम नहीं कर सकेगा जिस तरीके से उस रजनीश ने किया. मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उन सबको जिन्होंने यहां आके अपना समय दूसरों के लिए देने का काम किया. और मैं इसलिए कह रही हूं कि मुझे आप मेहरबानी करके उनके नंबर्स दे दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग हजारों में मेरे को चार मिलेंगे, परंतु वो चार हैं जो इस विकास के काम को और लोगों के माइंडसेट को बदलने का काम करते हैं. ऐसे लोग हजार, एक आदमी हजार के बराबर. और इसलिए भाइयों, मैं तो इतना कह रही हूं आपको, जय जय राजस्थान का गर्व, गौरव अपने प्रदेश का जब तक आप लोग पैदा नहीं करोगे, तब तक ये काम हो नहीं सकता है. हम लोग बनने का काम नहीं है, परंतु एक कॉमन गोल, एक लक्ष्य जो हम सबके सामने है कि हम इसको एक ऐसे ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लेके चले कि राजस्थान एक नंबर वन स्टेट हमारे देश के अंदर हो जाए, कि राजस्थान जिसका गर्व, गौरव, जिसका इतिहास सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग जानने की कोशिश करते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं, उसकी विरासत को समझने के लिए आते हैं, एक इस राजस्थान को खाली हिस्ट्री के बदौलत पर नहीं छोड़ेंगे. राजस्थान का जो भविष्य होगा वो भी एक ऐसा सुनहरा भविष्य होगा जिसको हम सब मिलकर बनाएंगे, खाली सरकार नहीं, हम सब मिलकर बनाएंगे, तब उस जय जय राजस्थान का सपना हम लोग पूरा करेंगे. आप लोग याद है जब इलेक्शन के अंदर हम लोग निकले थे तो नए राजस्थान का नाम अपन ने दिया था. नए राजस्थान के साथ साथ नया भारत, नया भारत के साथ साथ विकास किस तरीके से किया जाए. अब लोग मेरे को कहते हैं, अरे यार कोई विकास से क्या मतलब है हमको, अरे हमें ये बताइए कि हमारे लिए क्या होने वाला है. आप जब तक विकास नहीं करोगे तो मैं नहीं समझती हूँ, डेवलपमेंट नहीं होगा तो मैं नहीं समझती हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हो. और इसीलिए हमको आप सबके अंदर उस कॉन्फिडेंस को लाने की जरूरत है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ जैसे इन 10 लोगों ने काम किया वैसे ये 100 लोग भी काम करेंगे तो राजस्थान की फिजा बदलने का काम हो जाएगा. आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि नकारात्मक सकारात्मक में बहुत फर्क, बहुत आसान है रोज उठ के गलत बातें लिखना सोशल मीडिया के ऊपर, गाली देना, दंगा फसाद करना हाउस के अंदर. कभी कभी मैंने सुना है जब मैं बैठती थी हाउस के अंदर, तो मेरे पीछे लोग बात कर रहे हैं, मेरे सामने लोग बात कर रहे हैं, अरे आज मैंने कितना मेहनत करके इस डिबेट के अंदर भाग लेने के लिए पढ़ के आया हूँ, इधर से उधर से मैंने कागज निकाले, सब चीज को मैंने समझने की कोशिश की, और ये एक व्यक्ति ने खड़ा होकर पूरा हल्ला मचा के अखबार के हेडलाइंस भी ले ली और साथ में हमको काम ही नहीं करने दी. कितने दुख की बात है. और सही कह रहे थे विनय जी, वो तो हेडलाइंस बन जाती है, और मैं जिसने पागल जैसे पढ़ाई की, जिसने कागज लिया, जिसने कोशिश की, उसका नाम एक पैराग्राफ के अंदर आ जाता है. मैं समझती हूं कि इस चीज को भी अपने को बदलने की कोशिश अब करने की जरूरत है. मैं आज चार पांच चीजों को आपके सामने रखना चाहती हूं जिसको मैं जय जय राजस्थान के साथ जोड़ती हूं. सबसे पहले गर्व और स्वाभिमान, जिसको प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपन जोड़ते हैं. जय जय राजस्थान का नारा एक स्पेसिफिकली दिया गया है क्योंकि ये जय जय भारत से आगे जाकर जुड़ता है, जय जय हिंदुस्तान से आगे जाकर जुड़ता है. प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट जब तक आदमी के अंदर नहीं है तो वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है. सम्मिलितीकरण, जिसके अंदर
एक परिवार है। हो सकता है कि आप अलग अलग मजहब के हो सकता है आप 36 के 36 कौम के अलग अलग हो, जाति अलग आपकी हो, परंतु हमारा लक्ष्य सब एक ही है। हम जानते हैं कि आने वाले समय के अंदर अगर हमने विकास हमारे क्षेत्र के अंदर हुआ तो उस विकास का फल हम सबको मिलेगा, खाली एक जात को या एक मजहब को नहीं। यूरोप की किसी भी सिटीज में आप चले जाओ तो आप देखोगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी सुंदर है, कितनी बड़ी है। और मैं जानती हूँ कि यहाँ के लोग जब वहां जाते हैं तो सोच के आते हैं कि हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते, और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम कर सकते हैं, उससे बढ़िया कर सकते हैं, परंतु उसके लिए हम सबकी जरूरत है। नई ऊंचाइयां छूना किस तरीके से, अलग अलग फील्ड के अंदर हमारे बच्चे अगर नए नए ऊंचाइयों को छूने का काम कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आपको आईटी के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको फलाने कॉलेज के अंदर एक ऐसा ग्रुप मिल जाएगा जो आईटी के बारे में आपको अच्छी तरह से बता सकता है। आप जरूर जाए राजस्थान, राजस्थान में जाके इस कॉलेज के अंदर जरूर जाके उन लोगों से मिले, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितना अच्छा काम राजस्थान में आईटी का हो रहा है। नई ऊंचाई छूना ये बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ विकास है, विकास के साथ साथ खुशी है, खुशी के साथ साथ एकता है, क्योंकि फिर हम एक जैसे सोचना शुरू कर देते हैं। समानता है, समृद्धि है, संपन्नता है, क्योंकि इससे वो निकलेगी। और उसके साथ साथ सामूहिक शक्ति है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आओ साथ चले का नारा दिया था, आपको याद होगा, जय जय राजस्थान आओ साथ चले। ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, अगर जय जय राजस्थान को बनाना है तो हम लोग साथ चल के, चाहे वो किसी भी कौम के हो, किसी भी जात के हो, हम लोग साथ चल के एक परिवार के रूप में अपनी आवाज उठाएंगे तो ये विकास का काम जरूर होगा। एक सामूहिक इच्छा शक्ति, हम सब अपने मन में ये चाहते हैं, अपनत्व जिसका नारा हमने टीम राजस्थान के साथ जोड़ने की कोशिश की थी। भय मुक्त, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब हम सोच रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है और अच्छा काम है तो उसमें डरने की हमको जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिस में आप देख ले सकते हैं कि आजकल में एक शिफ्ट हो गया है। बाहर के लोग भी जब आते हैं हमारे यहाँ तो वो ये देखने आते हैं कि फलाना शहर, फलाना प्रदेश क्या उस शिफ्ट के साथ जुड़ा है, डेवलपमेंट डायलॉग की तरफ, डेवलपमेंट मैनेजमेंट की तरफ, क्या वो अपने आप को अपने लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ये नारा दिया था, जिस नारे को हमारे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और आगे ले जा रहे हैं और जिसको हम सब लोग साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो, चाहे वो आपका आज का सागरमाला प्रोजेक्ट हो जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना हो, कितने पैसे आज हम लोग किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स। देखो जब आदमी ऐसे बड़े चीज करने को निकलता है तो उसको पॉपुलैरिटी की नहीं, उसको अपने देश के लिए क्या भला है उसके बारे में सोचने की जरूरत होती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भय बिना भय के ऐसे चीजों को हाथ में लेने की कोशिश की है जिससे उनको ये लगा है कि आने वाले समय के अंदर हम अपने प्रदेश के अंदर, सब प्रदेशों के अंदर, हमारे देश के अंदर बदलाव ला सकते हैं और सब पूरी दुनिया के अंदर भारत को भी उस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। उसको लेके डीमोनेटाइजेशन का इतना बड़ा डिसीजन हाथ में लिया, वन नेशन वन टैक्स का इतना बड़ा काम अपने हाथ में लिया। मैं ये समझती हूँ कि ऑर्डिनरीली 70 साल से चली हुई दूसरी कांग्रेस वो कर पाई थी। एमजेएसए के अंदर इतने सारे गांव के अंदर पानी अब धीरे धीरे पहुंच गया, मैंने ग्राउंड वाटर लेवल अब आपका बढ़ गया है। भामाशाह योजना के अंदर डायरेक्ट फंड ट्रांसफर हो गए। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर जब उस महिला ने आके मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखे और उसने, मैंने उसको झड़प भी दिया था, कौन है पीछे से हाथ डाल रहा है, और मुड़ के जब मैंने देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरे तरफ देख के कहा कि मैडम मेरे हस्बैंड की जिंदगी बच गई रात को, उसको एक मैसिव हार्ट अटैक हुआ था घर के अंदर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कार्ड था, मैं उस कार्ड को लेके ऐसे मैं हॉस्पिटल के अंदर गई, उस कार्ड के ऊपर बिना पैसे के रात को 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ और मेरा हस्बैंड आज सेफ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके राष्ट्रपति। हम जीते उसी चीज के लिए हैं, ठीक है हमको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सुनने को भी तैयार है, परंतु जब हमने और आपने मिलकर वो सपना जय जय राजस्थान का देखा है, जब हमने तय किया है कि नया राजस्थान बनेगा,
और हमने ये तय किया है कि वो टीम राजस्थान के द्वारा बनेगा, तो क्या आप और हम इस सेवा से प्रफुल्लित नहीं होते जब ऐसा कोई आगे हमको कहता है कि आपने हमारे लिए ये काम किया, क्योंकि आप सब उसी के हिस्सेदार हो। तो क्या आपके मन में वो बात नहीं उठती, क्या आपके आंखों में आंसू नहीं आते, क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े हो जाते जब कोई आपके हाथ में हाथ डाल के ये कहता है कि मेरी जान बच गई, मेरा काम हो गया, मेरे बच्चे का एक जिंदगी बन गई। जब ऐसा कोई कहता है तो चाहे वो एक हो दस में, हमें लगता है कि हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब मैं अभी दौरे पे गई थी तो मैंने पूछा तुम्हें क्या है अच्छे काम, मैंने सबको बिठाया था, मैं जो आदमी था वहां सब पोस्टर लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या काम किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या काम किए हैं, आप जैसे बैठे हो दीवारों के ऊपर लगे हुए हैं तो कभी देखते ही होंगे। मैंने एक व्यक्ति को आगे बुलाया और मैंने कहा कि तुम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ खड़े होके पीछे मत देखना, बस यहाँ खड़े होके मेरे को इतना बता दो कि मोदी जी के सरकार के 5 कौन से काम हैं जो आपको याद आ रहे हैं। बेटी बचा, बेटी पढ़ाओ, ओके, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सॉरी मैडम मेरे याद नहीं आ रहा है। मेरा भैया मैं खाली आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये व्यक्ति है, रोज हम लोग इन चीजों को सुनते हैं, रोज इसके बारे में इनको देखते हैं और इनको अभी याद नहीं है, 5 स्कीम्स मेरे को नहीं बता पा रहे जब बैठवा। फिर मैंने बुलाया दूसरे को, कही भैया मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम कुछ तो याद रख रहे हो गए, इतना बता दो कि 5 स्कीम्स ऐसे राजस्थान सरकार की जो है जिन्होंने अच्छा काम अपने क्षेत्र के अंदर किया, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। हाँ मैडम बता सकता हूँ, भामाशाह, वेरी गुड, स्वास्थ्य बीमा भामाशाह के साथ सर, पीछे मत देखो, और पीछे से बोल रहा है, बोल रहा है, उसको बता रहा है तो आप क्या बताओगे उसको, कुछ तो जानकारी रखोगे, और ये मत बताओ मेरे को कि अच्छे काम नहीं हुए, खाली नेगेटिव बात सुनकर मेरे काम तो पक गए, मैं नेगेटिव बात सुनने को तैयार नहीं हूं। आज मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ, आईटी के अंदर आप देख लीजिए जो स्टेट की ताकत ही नहीं है आईटी के अंदर, आज वो स्टेट 2 साल से गोल्ड मेडल जीत रहा है आईटी के लेवल में। आज मेरे को चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर बनाया ऑन दिस सेकेंड ईयर रनिंग बेस्ट गवर्नेंस, बेस्ट ई गवर्नेंस स्टेट, बेस्ट बिग डेटा प्रोजेक्ट, एक्सेलेंस इन आईटी अवार्ड फॉर ई ज्ञान, जिसमें पढ़ाई लिखाई जब होता है तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्रॉड डिटेक्शन, आप प्लीज मेहरबानी करके इसके बारे में पढ़िए, आप देख के आइए अभय कमांड सेंटर को, एक्चुअली देखने लायक चीज है, 7 जगह पे अभय कमांड सेंटर, हमारे 7 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर अभय कमांड सेंटर हो गए। मैंने कहा भैया इनके दरवाजे खोलो, टिकटिंग मत करना, इसको फ्री बोल दो, और जितने आते हैं उनको सबको, वो जो सोच रहे हैं कि मैं क्राइम भी कमिट करने वाला हूँ, चलो देख के आता हूँ कि अभय कमांड सेंटर के अंदर क्या हो रहा है, तो तू आके देख ले कि यहाँ से कमांड सेंटर में बैठे बैठे मैं दुकान के अंदर ये बता सकता हूँ कि तुम कौन सी साड़ी पहन के कौन सी साड़ी खरीद रहे हो, यहाँ तक है वो। तो सोच लो कि नंबर तक कहाँ पहुंचोगे, और इसलिए जब क्राइम के अंदर जो कमी दिखाई देती है, वन ऑफ द रीजंस मैंने कहा सबको दिखाओ वो चीज, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अगर हमारी आईटी नहीं होती तो हम ये नहीं कर सकते थे, टुडे वी आर नंबर 1, भामाशाह योजना के अंदर वी आर नंबर 1 इन द स्टेट इन द कंट्री, 12,500 करोड़ आपके बैंक में है, ई मित्रा 48,000 ई मित्रा, माने 1/4 पूरे देश की हमारे यहां है, छोटा मोटा काम नहीं है भाई, और इसके लिए मेहनत लगी है, पर उसके साथ साथ कल्चर के आपके 18 म्यूजियम सब तैयार हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ मार्च, आपके सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल यहां हो रहा है,
आपका वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल अब उधर के ऊपर के अंदर सेकंड ईयर रनिंग हो गया है, आपकी भक्ति म्यूजिक का फेस्टिवल अब पुष्कर के अंदर चालू हो गया जिसमें लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आपके मैंने राजस्थान दिवस के अंदर हम लोग इसलिए करते हैं कि जय जय राजस्थान का याद करके आप लोग ये सोचने लगे वहां नाहरगढ़ के अंदर जो म्यूजियम बना है उसमें ओनली ऑन वन डे 30,000 फुटफॉल्स में 30,000। और आपके अखबार में नहीं आया होगा या आप लोग कैसे मिस कर गए मुझे नहीं मालूम, परंतु सऊदी अरेबिया का फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर और एरियाना हफिंगटन जो सबसे बड़ा हफिंगटन पोस्ट इतना बड़ा न्यूज वायर न्यूज पेपर है, एरियाना हफिंगटन अपने प्लेन में यहां आए और उधर जाके उसको देख के आए। मैं आप ये सोचिए कि दुनिया के कितने लेवल के ऊपर पहुंचा हुआ वो नाहरगढ़ का म्यूजियम आपका है। 60,000 फुटफॉल्स नॉट अ जोक। तो इसके साथ साथ आपके पानी का काम हो रहा है, कितने सारे मैंने फंसे हुए थे आज आप ये देखिए परवल का खाली पत्थर लगा था, आज परवल का काम 8,000 करोड़ का चालू हो गया है। आपकी रिफाइनरी का पत्थर लगा हुआ है, 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जिसमें 40 करोड़ रुपए राजस्थान का बच गया है ओनली 16,000 करोड़, जिसमें 4,000 बीघा भूमि के ऊपर रिफाइनरी बनने जा रही है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। वो तो ठीक है भाई, आप सुबह उठ के कहना है क्या करती है कुछ भी नहीं किया है सरकार ने क्या किया, तो ठीक है नो प्रॉब्लम। पर कभी कभी बैठ के ये भी गिनती करना कि क्या किया है, और मैं समझती हूं कि उसके अंदर से ही आशा निकलती है, क्योंकि बिना आशा के हमारी जिंदगी नहीं आगे चल सकती, ना आपकी ना हमारी। हमको सबको होप होना चाहिए, आशा होनी चाहिए कि आने वाले समय के अंदर हमको सबको ये फायदा मिलना चाहिए। अब जब हम पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि हमने प्रॉमिस किया था इस जय जय राजस्थान के अंदर कि आने वाले 5 साल के अंदर हम 15 लाख लोगों को नौकरी का अवसर देंगे, मैंने रोजगार का अवसर हम करने की कोशिश करेंगे, तो आपके स्किल डेवलपमेंट में नंबर वन अगर कोई है तो राजस्थान है, इसको आगे बढ़ाने का काम। तो जब मैं पब्लिक मीटिंग में कहते बोलते मैंने कहा क्यों हाथ क्यों ऐसा कर रहे हो, सरकारी नौकरी मैडम, आप 7 करोड़ जनता के बीच में सब लोगों को सरकारी नौकरी, और सरकारें तो अब छोटी होती जा रही है कम से कम, फिर भी आप लोग सबको मालूम है कि रिटायरमेंट लेवल्स एवरी ईयर है, तो एवरी ईयर 1 लाख 2 लाख तो होंगे ही होंगे, परंतु एवरीबॉडी तो नहीं आएंगे उसमें, तो कुछ तो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, कुछ लोग प्राइवेट के उसके अंदर आएंगे। एक नया राजस्थान आपको अगर बनाना है तो सरकार के दायरे से हम लोगों को बाहर निकलने की जरूरत होना चाहिए, क्यों बताओ मुझे होना चाहिए कि क्या होना चाहिए बोलो भाई, मुझे मालूम है कि मन में क्या है, परंतु रास्ता क्या है। आप तो क्या है आज के सिटीजन नहीं हो, आप तो कल के सिटीजन भी हो, से आपने को इसके बारे में भी सोचना है, वो तो होता रहेगा, परंतु हम उसके साथ साथ अपने प्रदेश को किस तरीके से बना रहे हैं, ऐसा करके नहीं होगा काम। टाइम फॉर गवर्नमेंट इज नाउ बिकमिंग लेस एंड लेस, बिकॉज गवर्नमेंट हम आपसे पूछ के कर रहे हैं। मेरे से लोगों ने पूछा ये आप घूमते हैं लोगों से बात करते हैं पूछते हैं, मैंने कहा आजकल के जमाने में अगर मैं नहीं पूछूंगी तो मुझे क्या मालूम है कि कल आपके लिए मुझे क्या करना है। मैं सोच रही हूं कि मेरा बजट बढ़िया से बढ़िया बजट है, और आप सोच रहे हो कि ये पैसा अगर मेरे को इसमें दे देते तो कितना अच्छा होता, तो अगर मैंने थोड़ी सी थोड़ा सा परिश्रम कर लिया होता आपके बीच में चली जाती आपकी बात को ये सुन लेती तो हो सकता है कि मैं वो काम में पैसे डाल देती जिस काम को आप चाहते थे। तो ये जरूरी है कि मैं 2 कदम चलूं तो उसमें 1 कदम आप ही चलेंगे। अगर हम लोगों को एक नया राजस्थान और एक जोरदार राजस्थान बनाना है तो उस राजस्थान के अंदर तो मेहनत खाली यहां नहीं, हम सब में मेहनत और पैशन, मैंने हमको उस चीज के अंदर मैंने बिलीव करना चाहिए कि हाँ ये काम अगर हम करेंगे
आगे चल के हमारा प्रदेश ऐसा हो जाएगा, और हमारा प्रदेश अगर ऐसा हो जाएगा तो उसका फायदा हम सबको मिलने वाला है। क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम मीडियोक्रेसी से आगे नहीं निकल सकते? क्या हम इन सब चीजों के को देख के आत्मनिर्भर नहीं हो सकते? क्या हम अपने पैर पर नहीं खड़े हो सकते? क्या हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हम नहीं बढ़ा सकते? मैं समझती हूँ कि हम ये सब कर सकते हैं, और इसलिए अगर हमको नंबर वन स्टेट अपने प्रदेश को बनाना है तो हमको इस तुष्टिकरण की राजनीति से एम्पावरमेंट की राजनीति के ऊपर, सशक्तिकरण की राजनीति के ऊपर आने की कोशिश करनी है। राजधर्म से प्रेरित होके, सत्ता धर्म से नहीं, राजधर्म से प्रेरित होके क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या राजनीतिक सेवा का माध्यम ही नहीं, उसको सत्ता का माध्यम नहीं बना के सेवा का माध्यम बनाया जाए? हो सकता है। और क्या एक जोड़ने की राजनीति तोड़ने की राजनीति से हम दूर नहीं हो सकते? ये सब क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोगों को पूछने की जरूरत है। हमने अपने राजनीति के अंदर मूल मंत्र अंत्योदय के अंदर बनाने की कोशिश की है, और विकास, और विकास के अंदर अंत्योदय माने लास्ट मैन स्टैंडिंग को तक पहुंचने की जरूरत, जिसकी कोशिश हम लोगों को करने की जरूरत। अब आप लोग सब यंगस्टर्स हैं, आप तो सोचते हैं हम यंगस्टर्स हैं, हमसे ऊपर वाले वो सोचते हैं वो यंगस्टर्स हैं। तो आप यंगस्टर्स हो इन टर्म्स ऑफ एज, और देश का फ्यूचर वो आप लोगों के कंधे के ऊपर, सो आप भावी कर्णधार इस देश के हो। और आने वाला क्या भविष्य होगा, लोग कहते हैं कि नेक्स्ट पीढ़ी मतलब जो नेक्स्ट एज है वो इंडिया का एज है, भारत का एज है, पर वो ऐसे बैठे बैठे और हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते और एक दूसरे से बात करते करते और ड्राइंग रूम में बैठ के करते नहीं होता है। जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक मैं सोचती हूँ कि हमारे देश की तकदीर बदल नहीं सकती है, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। राजस्थान के लगभग 7.5 करोड़ जनसंख्या में करीबन 2 करोड़ से ज्यादा युवा है, और इस बहुत बड़ी शक्ति, इस महाशक्ति का किस तरीके से उपयोग किया जाए वो हम सबको सोचने की जरूरत है। मैं सुनना चाहती हूँ जय जय राजस्थान का नारा पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि मुझे मालूम है कि उससे हम सबके अंदर ऊर्जा आएगी, और उसके साथ साथ हमारा देश जुड़ा है। जो हमारे प्रदेश को प्यार करता है वो हमारे देश को प्यार करेगा, और उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रदेश को आगे करने की कोशिश करेगा। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। परंतु आपके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, बड़ी चुनौतियां हैं जातिवाद की, और मैं तो देख के हैरान हूं। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि हाँ मेरी लकी कि राजनाथ साहब ने उसके बारे में सोचा नहीं कि राजपूत की लड़की को जाटों से ब्याह करवा दिया, और मैंने भी नहीं सोचा मेरा लड़का जाके गुजरों से ब्याह कर गया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे 4 और होते तो मैं मालूम नहीं से और सबसे करवा देती। तो मेरे हिसाब से क्या है फर्क आदमी है औरत, व्हाट इज द इशू? हम क्यों उसके ऊपर आ जाते हैं, क्यों उसको राजनीतिक कर देते हैं? मुझे वो समझ में ही नहीं आता है। अगर होना लड़का है, ये तो देख रहे ना अपनी लड़की के लिए, होना लड़का है क्या देखने जा रहे हो कौन सी जाति का है, क्या करता है? अगर होना है उस आगे उसका फ्यूचर है तो मेरी लड़की का भी फ्यूचर है, और अगर मेरी लड़की होना है और उसको एक अच्छा लड़का मिल गया तो क्या है? दोनों जन अपनी जिंदगी बनाएंगे, उनकी जिंदगी पे मेरा प्रदेश पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इससे आगे बढ़ो, ये तो आउटडेटेड आइडियाज हैं। इसके बारे में दुनिया, जब दुनिया में जाओगे तो आपकी तरफ देखते रह जाएंगे जब इसकी बात करोगे, और वो गौर के देखेंगे क्या बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि होता ही नहीं है किसी भी दुनिया में। इसलिए इसके बारे में सोचो, सबसे पार पाते हुए आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। आप सबके अंदर वो शक्ति है, मैंने देखी है, फील्ड के अंदर देखी है, आज आप लोगों के बीच में देखी है। और मैं अभी यही कहने वाली थी, यहाँ जो लड़के आए थे मिस्टर कुलकर्णी, हाँ संकेत कुलकर्णी, और विजय पुरते बुरुंग, भुवनेश गुप्ता सूरतगढ़ से, कौशल, कौशलेंद्र परमार भरतपुर आ गए। मुझे तो इतनी खुशी हुई, मैंने कहा
कि अभी तक धौलपुर नहीं पहुंचे, फिर धौलपुर का नाम भी आया तो मेरे को लगा कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर अपन पहुंच गए हैं। तो इतना अच्छा लगा कि वहां तक अपन पहुंच गए हैं। अभिमन्यु उदयपुर, उदयपुर में ये काम करते ही हैं, परंतु आप पांच लोग यहाँ आए, आप लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। वर्चुअल लाइफ के बारे में जो बताया, मैं समझती हूँ कि हम लोगों को भी एक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एक आईटी का गेम मैं भी कह रही हूँ कि मैं अपने लोगों को कहने वाली हूँ कि आईटी का गेम आप कर लो। और जिस तरीके से उन्होंने हमको ये बताया कि एक एपिडेमिक हो, एक लड़ाई हो, जो कठिनाई हो, जो चुनौतीपूर्ण अवसर हो, मेक्सिको में हो रहे हो या इंग्लैंड में हो रहे हो या स्लोवेनिया में हो रहे हो, उसके साथ जुड़ के आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो आप वहां क्यों जा रहे हैं? पहले यहाँ करेंगे, यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके आपके पास डाल देंगे और वो गेम आप खेलिए और उसमें से निकल के हमें बताइए कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन चीजों में लगिए, इन आइडियाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करिए। आई डू दिस, मैं समझती हूँ कि ये भी एक एम्पैथी और आइडेंटिफिकेशन की बात जो वो बता रहे थे अपने को, वो हम कर सकेंगे। आखिर मैं आप लोगों को इतना कहना चाहती हूँ कि एक सपना देखा था मोदी जी ने, एक सपना देखा था हम सब ने, एक सपना देखा है आप लोगों ने, हम सबके बड़े सपने हैं। और हमके, मैं समझती हूँ कि हमारे सपने, क्योंकि आज हम इस हॉल में बैठे हैं, हमारे सपने का एक ही रास्ता है, उस रास्ते को अपनाने की हम सबको कोशिश करनी है और एक नए भारत, एक नए राजस्थान, इसके निर्माण में आप संकल्पित होकर लगने की कोशिश हम लोगों को करनी है। इन सब चीजों को हम ईश्वर शक्ति के बिना नहीं कर सकते। अब वो मेरा ईश्वर हो, आपका भगवान हो, क्या नाम है उसका, उसकी तरफ देखते हुए इतना ध्यान रखना कि उसका हाथ अपने सिर पे है तो सब कुछ अपने पास है। अगर वो नहीं है और उसके ऊपर अपन नहीं विश्वास करते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो लॉस्ट सोल जिसको कहते हैं वो है। और मैं मानती हूं कि वो साथ चलता है तो डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं। अगर वो साथ चलता है तो कभी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, और अगर वो साथ चलता है तो जो सपना है उसको पूरा करने में हम पीछे नहीं आते। तो मैं भी एक छोटी सी कहानी बता के आप लोगों को खत्म करना चाहती हूँ। वैसे है तो वो अंग्रेजी में, पर तो मैं आपको समझाऊंगी कि एक व्यक्ति था जिसको ये बताया जाता था, उसने सीखा भी था स्कूल के अंदर, कि भगवान ईश्वर हमारे साथ ही चलता है और जहां भी जाते हो इतना समझ के जाना कि वो कभी भी हमसे दूर नहीं है। तो उसने कहा कि ईश्वर भगवान जब आप मेरे साथ चलते थे तो मैंने रेता के ऊपर दो पैर, मैंने दो जिसको कहते हैं फुटप्रिंट्स, मैंने वो देखे हमारे और जो कोई दिखता नहीं था उसके भी। पर जब मेरे को सबसे ज्यादा मुश्किलें आती थी ऐसे समय पे मेरे को मेरे ही कदम दिखाई देते थे, तो दूसरा फुटप्रिंट मालूम नहीं गायब हो जाता था। तो ईश्वर ये क्या चीज है, क्यों जब मेरे सबसे ज्यादा मुश्किलें थी ऐसे समय पे आप वहां से गायब हो जाते थे? तो ईश्वर ने कहा कि बेटे तुम उसको समझते नहीं हो, वो मेरे फुटप्रिंट्स थे। उस समय जब आपकी बहुत ज्यादा मुश्किल थी, जब आपकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, उस समय मैंने उठा के तुमको गोदी में अपने अंदर लेके चला, इसलिए तुमको वो दूसरे तरह के कदम उनकी निशानी में दिखा दे। याद रखना मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, परंतु मुझे भी फिर भूलो मत। आप लोगों को भी याद रखने की जरूरत है कि आज की दुनिया बड़ी फास्ट मूविंग दुनिया है, भगवान के लिए समय नहीं मिलता। पर अपने चलते दौड़ते जितना जो भी अपन कर रहे हैं उसके अंदर अपने को अपने ईश्वर की ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वो अगर नहीं है तो उसके बिना हमारी जिंदगी ना हमारे प्रदेश की जिंदगी ना हमारे देश की जिंदगी आगे बढ़ सकती है। ये सब चीजों को समर्पित करते हुए, जोर से अपने अंदर धागा बांधते हुए, संकल्पित होते हुए तय करिए कि हम अपने प्रदेश को एक नया प्रदेश, एक विकसित प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जिसकी तरफ सब निगाह लगा के देखेंगे और कहेंगे कि हाँ राजस्थान का इतिहास हमने पढ़ा था, पर आज राजस्थान, मॉडर्न राजस्थान, न्यू राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान है जिसको फॉलो करने के लिए हम सब तैयार हैं। ऐसा राजस्थान क्या आप लोग पैदा कर सकते हो? यस और नो?
और अगर आप पैदा कर सकते हो तो ऐसा भारत आपको पैदा करना है जो आने वाले समय के अंदर देश की नहीं दुनिया के लोग उसको देख के कहेंगे कि ये है अगली सदी का लीडर, ये है जो देश हम लोगों का फ्यूचर विश्व गुरु जिसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, जो हमको हमारी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला ऐसा भारत देश बनेगा। कैन वी डू इट? कैन वी डू इट? कैन वी डू इट? वी कैन। एंड रिमेम्बर, आपने जब हमने अपने दिमाग और दिल के अंदर ये मान लिया है तो कोई चीज नहीं है जो आपको इसमें रोक सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपने मेरे को मौका दिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। प्लीज रिमेम्बर, भाई साहब आपने मेरे को कहा कि मैं राय करने वाला हूँ, मेरे पास आपने दिखा है। फर्स्ट वर्ड, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव कर रहे हैं तो हमें ये भी कहना है वो, और वो नीचे आया है कि सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, तो अपन वहां से शुरू करते। सबसे अच्छी बात मैं आप लोग सबको कह रही हूं, सबसे अच्छा रोना रोना रोना, वो तो रोज करोगे आप लोग, क्योंकि कोई चीज नहीं होती। मैंने देखा 11 चीज हो जाती, 10 चीज हो जाती तो 11वीं नहीं होती है। ओ बस उसी को याद अपन रखते हैं। आप चालू करिए, दीज आर द गुड थिंग्स and these are the things that need to be improved. तो जो आपके स्टाफ होता है भाई, कल आपके घर में खाना बनाता है, आप रोज बोलते हैं ची क्या गंदा खाना है, तो बेचारेगा यार ध्यान दो यार बनाओ गंदा खाना, अपना क्या मतलब है, राइट? आप कह दो यार तुमने तो बहुत अच्छा राम, तुमने तो बहुत अच्छा काम बनाया आज, सोचता है और बेटर बनाऊंगा। रोज कहो अच्छा कहोगे तुम, कहेगा अरे यार तुमने मेरे को मैंने थपकी दे दी, चलो आने वाले समय के अंदर अपन इससे भी अच्छा करें। सो प्लीज स्टार्ट विद गुड एंड व्हाट कैन बी बेटर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर द कॉन्फिडेंस, थैंक यू।